सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपको पता है लोकसभा के इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है और एनडीए ने गवर्नमेंट फॉर्म की है। प्राइम मिनिस्टर और सभी मिनिस्टर्स ने कल ही शपथ ली है। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मिनिस्टर को कौन कौन सा पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं, हम कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर 30 बनाए गए हैं और एक हमारे प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, 31 मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स बनाए गए हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स बनाए गए हैं 36 और इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स बनाए गए हैं 5। ठीक है, टोटल मिनिस्टर ऑफ स्टेट 41 बनाए गए हैं। इनके अलावा डिप्टी मिनिस्टर भी होते हैं, उनकी बात करें। पहले आप कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं। इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज कौन कौन से, जैसे होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं। ठीक है, ये कैबिनेट मीटिंग्स में बैठते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स दो तरह के होते हैं, एक तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब ये होता है कि जो किसी भी मिनिस्टर के साथ अटैच नहीं होते, वो इंडिपेंडेंटली किसी कैबिनेट मिनिस्ट्री के किसी डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, इंडिपेंडेंटली होते हैं, वो किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो होते हैं जो अटैच्ड होते हैं। ठीक है, किसी कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री से अटैच कर दिया, डिफेंस मिनिस्ट्री से अटैच कर दिया, होम मिनिस्ट्री से अटैच कर दिया, वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के मिनिस्टर ऑफ स्टेट दो तरह के होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले और एक डिपेंडेंट चार्ज वाले, जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। इनके बिना डिप्टी मिनिस्टर्स भी होते हैं। डिप्टी मिनिस्टर्स कौन से होते हैं, वो या तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को करते हैं असिस्ट, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं जो अटैच्ड वाले होते हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं जो अटैच्ड डिपार्टमेंट वाले होते हैं, वो कैबिनेट की मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले होते हैं ये नहीं करते हैं। हाँ, जब कभी इनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई कैबिनेट मीटिंग में डिस्कशन हो रही होती है, तब ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर ये उन कैबिनेट मीटिंग्स में भाग लेते हैं। और जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंडर भी हो सकते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर भी हो सकते हैं डिप्टी मिनिस्टर। तो जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं ये कैबिनेट मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी तक जो ये बनी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनी है, इसमें डिप्टी मिनिस्टर्स की बात नहीं की गई है, इनमें कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात की और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात की गई है। आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट में से ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज निकलता है। इंडिपेंडेंट चार्ज वाले को मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से पर्सन को कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाया गया। मैंने आपको पहले ही बनाया कि 30 को बनाया गया कैबिनेट मिनिस्टर, और उनमें से एक उनके साथ इंक्लूड कर लें अगर नरेंद्र मोदी को, तो ये 31 बनाए गए कैबिनेट मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन से पोर्टफोलियो हैं, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज, अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। देखो ये ऊपर वाले तो ये इनके पास पोर्टफोलियो है ही है, इसके अलावा जो पोर्टफोलियो किसी मिनिस्टर को नहीं दिए गए हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर रहेंगे, मोदी साहब ही उनको हैंडल करेंगे। ठीक है, फिर राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, अमित शाह को होम अफेयर्स कॉरपोरेशन मिनिस्टर बनाया गया, पहले भी यही थे, नितिन गडकरी को रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, जेपी नड्डा जो पहले भाजपा के अध्यक्ष थे उनको इस बार मिनिस्ट्री में लाया गया है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री प्रोवाइड की गई है। शिवराज चौहान को जो फॉर्मर सीएम है अपने मध्य प्रदेश के, ठीक है, एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर का बनाया गया, पहले नरेंद्र सिंह तोमर थे, ठीक है, एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर रूरल डेवलपमेंट का इसको बनाया गया। निर्मला सीतारमन को फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया, पहले भी यही थे निर्मला सीतारमन, ठीक है। फिर एस जयशंकर को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया, ये पहले भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर जो फॉर्मर हरियाणा के सीएम है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और पावर का मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। एच डी कुमारस्वामी ये कर्नाटका से हैं, इनको हैवी इंडस्ट्रीज और स्टील का मिनिस्टर बनाया गया। पीयूष गोयल को कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनाया गया, पहले भी पीयूष गोयल थे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। जीतन राम मांझी जो बिहार से हैं, इनको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का मिनिस्टर बनाया गया। राजीव रंजन सिंह या ललन सिंह इनका नाम है, इनको पंचायती राज, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का मिनिस्ट्री बनाया गया। ये जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनके पास वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल, इनको पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज का मिनिस्टर बनाया गया, पहले भी इनके साथ पास यही था, ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट,
इनको बनाया गया मिनिस्टर सोशल जस्टिस का और एम्पावरमेंट का, के राम मोहन नायडू को सिविल एविएशन का बनाया गया, के राम मोहन नायडू को, ठीक है, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ करते थे सिविल एविएशन मिनिस्टर, प्रहलाद जोशी को कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का बनाया गया प्रहलाद जोशी को, ज्वाल उराम को ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया, गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल्स मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है, अश्वनी वैष्णव को रेलवेज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। फिर आगे ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से कम्युनिकेशंस डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का मिनिस्टर बनाया गया, भूपेंद्र यादव को एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का मिनिस्टर बनाया गया, गजेंद्र सिंह शेखावत को कल्चर एंड टूरिज्म का मिनिस्टर बनाया गया, अन्नपूर्णा देवी को वीमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मिनिस्टर बनाया गया। इससे पहले जो स्मृति ईरानी थी वो हुआ करती थी वीमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, इस बार अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया। किरण रिजिजू को पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनोरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया गया, हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है। मनसुख मांडविया को लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का मिनिस्टर बनाया गया, जी किशन रेड्डी को कोल और माइंस का बनाया गया मिनिस्टर, ठीक है। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मिनिस्टर बनाया गया, सी आर पाटिल को जल शक्ति मिनिस्टर बनाया गया। ये सब हमने पीछे डिस्कस किए जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कौन कौन से मिनिस्टर्स को कैबिनेट मिनिस्ट्री का ओहदा दिया गया वो हमने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। अब हम करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो डिपेंडेंट चार्ज वाला भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट चार्ज वाला भी हो सकता है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करते हैं जो डिपेंडेंट चार्ज वाले हैं, जो किसी ना किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच किए गए हैं। जितिन प्रसाद को ये हम सभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करें, बाकी छोड़ देंगे। बाकी आपके को क्या करना है, आप हमें मैसेज करोगे या कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो हम आपको जो लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, जहां अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू से, जहां हम व्हाट्सएप के आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ये इसकी PDF प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जितिन प्रसाद BJP के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मिनिस्टर बनाया गया, ये लगभग 36 हैं जो डिपेंडेंट चार्ज वाले हैं, किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच किए गए हैं, ठीक है। श्रीपद जैसो नायक को मिनिस्ट्री ऑफ पावर का बनाया गया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बनाया गया। अब देखो श्रीपद जैसो नायक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर तो दे रखी है हमारे मनोहर लाल खट्टर जी को, ठीक है ना, तो ये श्रीपद जैसो नायक है, ये मनोहर लाल खट्टर को असिस्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। पंकज चौधरी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बनाया गया, जी निर्मला सीतारमन को असिस्ट करेंगे, ठीक है। कृष्ण पाल गुजर है, जी हरियाणा से हैं, जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन किससे प्रोवाइड की गई है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है इसके, जैसे हमारे अमित शाह हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन कृष्ण पाल गुजर है, जी अमित शाह को असिस्ट करेंगे, ठीक है। फिर रामदास अठवाले इनको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दिया गया। रामनाथ ठाकुर जनता दल यूनाइटेड से, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान को जो असिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाली लिस्ट आपने खुद देख लेनी है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। नित्यानंद राय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नित्यानंद राय भी ये हमारे अमित शाह जी को असिस्ट करेंगे। अनुप्रिया पटेल हैं जो अपना दल से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जेपी नड्डा को असिस्ट करेंगे, ठीक है। वी सुमना BJP मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, वी सुमना BJP के हैं, इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का डिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। डॉक्टर चंद्रशेखर पमासानी TDP तेलुगु देशम पार्टी से, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस का दिया गया है, ठीक है ना। प्रोफेसर SP सिंह बघेल को मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का दिया गया है, ठीक है, प्रोफेसर SP सिंह बघेल को। शोभा करंडर जल्ले जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का दिया गया इसको, ठीक है। तो कीर्ति वर्धन सिंह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भूपेंद्र यादव को असिस्ट करेंगे ये कीर्ति वर्धन सिंह, ठीक है। BL वर्मा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया इसको। शांतनु ठाकुर BJP के मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज का बनाया गया इनको, ठीक है। सुरेश गोपी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म बनाया गया इसको, ठीक है ना। डायरेक्टर L मुरुगन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स बनाया गया। अजय तमता BJP के हैं ये, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नितिन गडकरी को ये असिस्ट करेंगे अजय तमता BJP के हैं, ठीक है। बंदी संजय कुमार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बंदी संजय कुमार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का इनको बनाया गया, ठीक है। कमलेश पासवान BJP के मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बनाया गया इनको, ठीक है। और भागीरथ चौधरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, सतीश चंद्रा दुबे मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस बनाया गया। संजय सेठ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बनाए गए हैं। रवनीत सिंह बिट्टू जो हमारे लुधियाना से हार गए थे, लुधियाना से लोकसभा सीट से खड़े हुए थे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री,
बनाया गया इनको, जो चिराग पासवान को असिस्ट करेंगे, मिनिस्टर ऑफ रेलवे भी का भी इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का दे रखा है, ठीक है ना। ठीक है, दुर्गादास उइके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का दे रखा है इनको, रक्षा निखिल खट्टे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का, ठीक बनाया गया इनको, सुकंता मजूमदार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, धर्मेंद्र प्रधान को असिस्ट करेंगे सुकंता मजूमदार, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है ये सब इनको दे रखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी असिस्ट करेंगे, ठीक है। सावित्री ठाकुर मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अन्नपूर्णा देवी को ये असिस्ट करेंगे सावित्री ठाकुर, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में फिर आगे क्या, तोखन शाह बीजेपी की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, जो मनोहर लाल खट्टर को असिस्ट करेंगे। राजभूषण चौधरी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, राजभूषण चौधरी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। भूपति राजू श्रीनिवासा वर्मा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ठीक है। हर्ष मल्होत्रा बीजेपी के मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। जैसे आप यहाँ देख लो, हर्ष मल्होत्रा जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है, जो हर्ष मल्होत्रा है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये निर्मला सीतारमन को भी असिस्ट करेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में जो हमारे नितिन गडकरी उसको भी असिस्ट करेंगे। फिर है निम्बूबेन जयंतीबाई बांबानिया बीजेपी के मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का बनाया गया इनको, ठीक है। मुरलीधर मोहोल मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, इनको बनाया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया। डिपेंडेंट चार्ज वाले हैं जी, जो किसी ना किसी कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच किए गए हैं, ठीक है। फिर जॉर्ज कुरियन है मिनिस्ट्री ऑफ मिनोरिटी अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का बनाया गया इनको। फिर है पवित्रा मार्गरेरिता, ठीक है, पवित्रा मार्गरेरिता मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल इनको बनाया गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, ये तभी जाएंगे कैबिनेट मीटिंग में, तभी जाएंगे जब इनको बुलाया जाएगा, जब इनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई कैबिनेट मीटिंग में इशू डिस्कस किया जा रहा होगा। अदरवाइज इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, ये किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, ये खुद ही काम करेंगे, एज ए कैबिनेट मिनिस्टर काम करेंगे। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर अपना काम करते हैं, ऐसे ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज वाले काम करते हैं खुद अपने, क्योंकि ये आजाद होते हैं, ठीक है। फिर राव इंद्रजीत सिंह है ना, ये राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा से है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का काम इनको दिया गया, ठीक है। या मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, ठीक है। जितेंद्र सिंह बीजेपी के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ठीक है, इनको दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पीच, ये इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया जितेंद्र सिंह को। फिर अर्जुन राम मेघवाल हैं बीजेपी के, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इनको दे रखा है, इंडिपेंडेंट चार्ज दे रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का इंडिपेंडेंट चार्ज इनको दे रखा है, ठीक है। फिर जाधव प्रताप राव गणपत राव शिवसेना से हैं ये, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का दे रखा है इनको, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का भी इनको दे रखा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज। जयंत चौधरी हैं जो, जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल से हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया इनको, ठीक है। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, कौन कौन से स्टेट मिनिस्टर बनाए गए, स्टेट मिनिस्टर में फिर इंडिपेंडेंट चार्ज वाले स्टेट मिनिस्टर कौन कौन से बनाए गए हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो आती ही रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।